इधर अल्लाह के प्यारे शरीर अपनी माँ के पेट में, उधर ये सारे इंतजाम रह रहे हो रहे हैं। अब अल्लाह का करना, आपके वालिद ने दूर दराज जंगल के इलाके में तहखाना बनाया कि मेरे बेटे की विलादत इधर होगी। अब आपकी वालदा मजदा वहां जब वक्त विलादत का टाइम करीब आया, आप वहां तशरीफ ले गई। जब वहां तशरीफ ले गई तो आपकी विलादत के बाद शहादत उस तहखाने के अंदर हुई। आपकी वालदा वापस आ जाती और आपको दूध पिलाती। दूध पिलाने के बाद जब आप वापस आती, आगे पत्थर बंद करके वापस आ जाती। मैं बड़ा छाट लफ्जों में बयान कर रहा हूँ। पत्थर आगे देख उस बाघ का मुंह बंद करके वापस आ जाती। आप जब दूसरे दिन दूध पिलाने के लिए जाती, अल्लाह का खलील की दो उंगलियां मुंह में रख के खुश रहे, एक से दूध निकल रहा है, एक से शेर निकल रहा है। रब का खलील है, आराम कर रहे हैं, हार सारी की सारी चेहरे से नूर और मुनव्वर हो गई। आपकी वालदा माजदा वहां तशरीफ ले जाती और अल्लाह का करना कि जितना बच्चा एक हफ्ते में बड़ा होता है, रब का खलील एक दिन में बड़ा हो रहा है। बच्चा महीने में जितना बड़ा होता है, अल्लाह का खलील एक हफ्ते में बड़ा हो रहा है। बच्चा जितना साल में कुरान चढ़ता है, रब का खलील महीनों में इतना बड़ा हो रहा है। अब करते करते वो वक्त आ गया, खैर वो वक्त आ गया कि अल्लाह का खलील बोलने के काबिल हुए। सबसे पहले याद रखिए कि नबी का बचपना भी नबूवत से खाली नहीं होता। नबी जिस तरह आखिरी दिन का नबी होता है, इसी तरह नबी पहले दिन का भी नबी होता है। ये कहां से लोगों ने ये तावील निकाली है कि भाई नबी को तो 40 दिन के बाद पता चलता है, अच्छा जी मुझे नबी बना दिया गया है। अरे तेरे फेटे में वो कोई और तेरा नबी होगा, हमारा तो वो नबी है जिसको पहले दिन की खबर होती है कि अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया है। नबी का पहला दिन भी नबूवत से खाली नहीं होता, नबी का दरमियान का दिन भी नबूवत से खाली नहीं होता, और नबी का आखिरी दिन भी नबूवत से खाली नहीं होता। नबी नबी होता है, जिधर भी हो नबी होता है। अल्लाह के खलील ने जब बोलना सीखा आपके दौर में, क्योंकि इस शहर बाबल के अंदर लोग चांद और सितारों और सूरज की पूजा करते थे, सबसे पहले आगाज तकदीर घर से थे। कहां से बोलिए, मतलब समझने वाले से बात रखिए। तकदीर का सिलसिला कहां से शुरू होता है, घर से। बिस्मिल्लाह, आप बेशक किसने बोरी उठाकर जनाब से चमकने लगा अल्लाह का खलील बोले।
اب جب ستارے کو دیکھا آپ نے اس کا بھی انکار کیا, چاند چمکنے لگا اس کا بھی آپ نے انکار کیا, جب دن کا اجالا چلا سورج چمکنے لگا توحید سے فرمائی, اور سب سے پہلے آپ نے تبلیغ کا کام کہاں سے کیا؟